जय माता दी। सभी को स्वागत है आप सभी को चैनल में। एक बार फिर से आशा करता हूँ माता रानी और महादेव की कृपा पर बन रही होगी। ये ब्रह्मांड सिर्फ दो चीज़ों से बनी है, एक है पदार्थ, दूसरी है ऊर्जा। इसके सिवा इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं, सिर्फ पदार्थ और ऊर्जा, यही दो चीज़ है जो कि इस ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो ये पदार्थ और ऊर्जा है क्या, तो ध्यान से सुनो। पदार्थ है शिव और ऊर्जा है शक्ति। जब ये दोनों का मेल होता है तब जीवन का अस्तित्व होता है। जैसे कि एक इंसान में जब तक प्राण है तब तक वो जीवित है, प्राण निकलने के बाद उसका कोई काम नहीं, बस वो एक वस्तु है। जैसे कि मिट्टी हो गई, एक पत्थर हो गया, सिर्फ वैसा ही एक शरीर रह जाता है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा चली गई, सिर्फ पदार्थ रह गया। तो क्यों कहा जाता है शक्ति बिना शिव अधूरा है? देख लो, मानव जीवन का ही उदाहरण देख लो। जब हमारी शरीर से ऊर्जा निकल जाती है, हमारी प्राण ऊर्जा, हमारी आत्म ऊर्जा, हमारा सूक्ष्म शरीर, जो हमारा ऊर्जा तत्व है, हमारा ऊर्जा है, वो हमारे शरीर से निकल जाने के बाद इस शरीर का कोई काम नहीं रहता, ये शव हो जाता है। इसीलिए शव को शिव समान माना जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ सिर्फ शिव तत्व है लेकिन वो अधूरा है, क्योंकि शक्ति तत्व उस शरीर में नहीं है। इसीलिए शक्ति बिना शिव को अधूरा माना जाता है। ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मानव शरीर है। जब तक प्राण है तब तक उसका मायना है इस धरती में, इस संसार में उसका वजूद है। अगर शक्ति चली गई तो उसका कोई वजूद नहीं है। इस हिसाब से है इसका रहस्य। और बाकी भी चीज़ देखा जाए तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का E=mc², एक तरफ ऊर्जा है, दूसरी तरफ m मतलब मास ऑफ द बॉडी, मतलब पिंड है, किसी भी वस्तु का पिंड है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ एनर्जी और पिंड यही दो पर आधारित है, और सारे ब्रह्मांड में यही दो चीज़ व्याप्त है, बाकी कोई चीज़ नहीं। शिव और शक्ति के सिवाय इस संसार में कुछ नहीं है। अब यहाँ पर शिव के अर्थ में आप सिर्फ भोलेनाथ और माँ पार्वती को ना लें, शिव में त्रिदेव भी आ जाते हैं, नारायण भी आते हैं, ब्रह्मदेव भी आते हैं, और शक्ति में तीनों माताएँ महालक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली तीनों आ जाती हैं। तो तीनों ने, हम लोग तीनों को अलग अलग देखते हैं। क्यों? क्योंकि है एक ही, लेकिन उन्होंने विशेष कार्य संपादन के लिए अलग अलग स्वरूप धारण किया है, एक ही। माया की दृष्टि से देखते इसीलिए अलग लगते हैं। अब अगर शिव के, अगर आप माया से मुक्त हो, आपकी कुंडलिनी चक्रों में जागृति है, शिवलिंग के आगाड़ी अगर आप अष्टाक्षरी मंत्र का जाप करोगे, ओम नमो नारायणाय, विष्णु देव का मंत्र का जाप करोगे, तो उस शिवलिंग में से भगवान विष्णु प्रकट हो जाएंगे। ये सत्य है, क्योंकि वो अलग नहीं है, उन्होंने सिर्फ विशेष कार्य संपादन के लिए अलग स्वरूप धारण किया है, उनका मूल तत्व एक ही है। इसीलिए तो आदि शक्ति में तीनों देवी, जैसे कि नवार्ण मंत्र में तीनों माताओं का शक्ति है, वैसे ही ये जो आदि पुरुष है शिव, उनके अंदर में तीनों आते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। समझ रहे हो आप? तो देखा जाए तो पदार्थ में आ गए ब्रह्मा विष्णु महेश यानी शिव, और शक्ति में आ गई माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, महाकाली। तो इसी हिसाब से होता है कि ब्रह्मांड में सिर्फ दो चीज़ व्याप्त है, पदार्थ और शक्ति। शक्ति बिना पदार्थ का कोई मतलब नहीं, पदार्थ बिना शक्ति का कोई मतलब नहीं। अब जैसे कि कोई आत्मा निकल जाती है शरीर से, ठीक, तो उसका क्या वजूद है? कोई वजूद है नहीं, है ना, क्योंकि उसके पास शरीर ही नहीं, पदार्थ बिना वो भी अधूरा है। तो ये है यथार्थता, लेकिन हम समझ नहीं पाते। हम समझते हैं शिव कैलाश पर बैठ के योग ध्यान कर रहे हैं, माँ वहीं पर बैठी है, ऐसा थोड़ी है। वो तो उनका साकार स्वरूप वहाँ पर बैठा, वहाँ उन लोग उनके निराकार एनर्जी जो है, वो निराकार ऊर्जा जो है, वो तो आपके शरीर में भी है, मेरे शरीर में भी है, हम सबके शरीर में भी है। हर जीव के अंदर शिव और शक्ति विराजमान है।
शक्ति ऊर्जा स्वरूप में विद्यमान है, शिव पदार्थ स्वरूप में विद्यमान है। ये है पदार्थ और ऊर्जा का रहस्य, समझ रहे हैं आप? और यही है शिव और शक्ति का मूल रहस्य। वे जो साकार रूप आप देखते हैं वो तो है ही, लेकिन मूल रहस्य ये है कि हर जीव में शिव और हर जीव में शक्ति का वास है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेगा। जय माता दी।